प्रेस क्लब के इतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरी शदीद गर्मी में ट्रैफिक जाम लग गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत काबीना का पहला इजलास, बलदियाती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। परवेज मुशर्रफ दौर का बलदियाती निज़ाम दोबारा लाने पर इत्तफाक। पंजाब असम्बली के पहले इजलास में बलदियाती निज़ाम में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। इजलास में चाय और बिस्किट से वज़रा की तबाह। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज लाहौर आमद, जमान पार्क में सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। वज़ीर आज़म की रिहायशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तायुनात। वज़ीर आज़म पंजाब काबीना और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवारों की टिकट पर भी मुशावरत होगी। हद हो गई, कहीं 25 रुपए तो कहीं 50 रुपए पार्किंग वसूल की जा रही है। लोगों के लिए पैदल चलने की जगह नहीं, आपने कंपनी सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए बनाई। जस्टिस अली अकबर कुरैशी चीफ एग्जीक्यूटिव क्लब अब्बास पर बरहम। हाई कोर्ट का दो रोज में शहर भर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करने का हुक्म। 3 सितंबर तक तहरीरी जवाब और कंपनी की तश्कील का रिकॉर्ड पेश करने के अहकाम। हाई कोर्ट का मॉल रोड के बरामदों पर कब्जे का नोटिस, बरामदें फौरी तौर पर खाली कराने का हुक्म। हॉल रोड के अंदर लगे बड़े होर्डिंग्स आज ही उतारे जाएं, अदालत के रिमार्क। डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक हाईकोर्ट में पेश। मॉल रोड पर कूड़ा फेंकने वाले 97 अफराद को जुर्माना करके 97,000 रुपए वसूल किए। डिप्टी कमिश्नर का अदालत में बयान। अदालत का सदर हाईकोर्ट बार और सदर मॉल रोड पर मुश्तमिल वफ को काम का जायजा लेने का हुक्म। नया बलदियाती निज़ाम कैसा होगा, लाहौर न्यूज अहम मालूमात सामने ले आया। 2001 में 13 महकमे थे, अब एक भी नहीं। सियासी ढांचा कमजोर तरीन। 2013 के बलदियाती एक्ट के मुताबिक तमाम इख्तियारात इंतजामिया के पास, अवामी नुमाइंदों के हाथ खाली रहे। नए बलदियाती निज़ाम के निकात 2013, 2001 और खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती निज़ाम से तैयार किए गए। आरिफ अलवी को पंजाब में वासे अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। उनकी कामयाबी हकीकी जमहूरियत की तरफ एक और कदम साबित होगा। चौधरी सरवर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और नामजद गवर्नर चौधरी सरवर आरिफ अलवी को आज इशाया देंगे। पंजाब के तमाम एमपीएस और एमएनएस शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली में 4 सितंबर को होने वाले सदारती इंतखाब के लिए इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल दी जाने लगी। हमजा शहबाज के बतौर ऑपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन का मामला, नून लीग की 48 घंटे की डेडलाइन आज खत्म होगी। कायम मकाम स्पीकर दोस्त मजारी ने तहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, नून लीग ने एहतजाज का इंतिया दिया था। ज़िमनी इलेक्शन लाहौर के चारों हलकों के उम्मीदवारों की लिस्टें आवेसा। कौमी असम्बली की 2 नशस्तों पर 58 और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 73 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी का अमल 4 सितंबर तक जारी रहेगा। सरकारी अस्पतालों में 2200 असामियों पर नर्सों की भर्ती की मंजूरी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों से नारका सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, नर्सों के मसाइल हल करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद से नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन के वफद की मुलाकात। हॉलैंड में गुस्ताखाना काकों के मुकाबले की मनसूखी पर इजहार तशक्कुर। जामिया नईमिया के ज़ेर एहतमाम क्वीन मैरी कॉलेज से प्रेस क्लब तक रैली, खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ताखाना काकों के खिलाफ लाहौर बार की हड़ताल। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 21 खवातीन असातिज़ा की ग्रेड 18 में तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन असातिज़ा को असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर रेगुलर बुनियादों पर तैनात किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ ब्लाइंड का 2.5 माह के शॉर्ट कोर्सेज करवाने का फैसला। दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 सितंबर मुकर्रर। मजंग में बिजली का ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया, लोग ट्रांसफार्मर से निकलने वाले तेल को इकट्ठा करने लगे। धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर
जाकिर खान को चेयरमैन पाकिस्तान सुपर लीग मुकर्रर किए जाने का इम्कान। जाकिर खान को पीसीबी में डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस भी मुकर्रर किया जाएगा।